नमस्कार दोस्तों, आज वैशाख अमावस्या है और इस दिन दान पुण्य का काफी महत्व है। इसकी जानकारी हम पिछली वीडियो के जरिए आपको दे चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा बताने वाले हैं। कथा कुछ यूं है कि बहुत समय पहले की बात है, धर्म वर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, व्रत उपवास करते रहते, ऋषि मुनियों का आदर करते व उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी कार्य में नहीं, अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते ये पितृलोक जा पहुंचे। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। जानकारी के लिए बता दें कि वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा माह है। माना जाता है कि त्रेता युग का आरंभ वैशाख माह में ही हुआ था। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस अमावस्या के दिन पितृदोष एवं काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए ये उपाय करने से लाभ होता है। वैशाख अमावस्या पर अपने पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय दान पुण्य आदि के कार्य किए जाते हैं उसमें तृप्त होकर हमारे पूर्वज सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव की तिल तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और यथाशक्ति वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।